इस धरती पर एक ऐसा भी पदार्थ है जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम लगभग 62 ट्रिलियन डॉलर है। सभी टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ 28 दिन का ही रिचार्ज क्यों करती हैं? मोबाइल में फ्लाइट मोड क्यों होता है? आखिर सिलेंडर का कलर रेड ही क्यों होता है? दोस्तों, आपको इस वीडियो में इससे भी जबरदस्त फैक्ट देखने को मिलेंगे, बस वीडियो को दिल थाम कर देखते रहिए। एंटीमीटर एक ऐसा पदार्थ है जिसकी कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर है। 62.5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम एंटीमीटर होता है। यह इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि 1 ग्राम एंटीमीटर यानी कि एक परमाणु बम के बराबर होता है। आपने पुलिस ऑफिसर देखा होगा और उनके यूनिफॉर्म पर एक रस्सी लगी होती है, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये रस्सी क्यों होती है? दरअसल ये रस्सी डेकोरेशन के लिए नहीं लगाई जाती, बल्कि इस रस्सी में एक सीटी यानी कि एक विसल इसमें बांधी हुई होती है जो कि ऑफिसर की जेब में छुपी होती है और जरूरत पड़ने पर ऑफिसर इसको इस्तेमाल करता है। आप जिस भी कंपनी का सिम कार्ड चलाते हैं वह 28 दिन का ही रिचार्ज देती है। दोस्तों, इसके पीछे एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। ये कंपनियां यूजर को बेवकूफ बनाती है, हर महीने में 2 से 3 दिन काट लेती है, मतलब साल में 12 महीने होते हैं, मतलब एक साल में 1 महीने के रिचार्ज ये काट लेती है और आपको 1 महीने का रिचार्ज कम रिचार्ज करने देती है। दोस्तों, हर मोबाइल में फ्लाइट मोड होता है जिसको कुछ लोग हिंदी में जहाज मोड भी कहते हैं। आपने भी इस मोड का इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट मोड एक्चुअल में किस लिए होता है? एक्चुअल में फ्लाइट मोड फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त यूज किया जाता है। और फ्लाइट मोड फ्लाइट में ही क्यों यूज किया जाता है, चलो समझते हैं। एक्चुअल में जब फ्लाइट में सभी ट्रैवलर एक ही साथ बैठे होते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा रेडिएशन इकट्ठा हो जाता है। ये सभी फोन के रेडिएशन सिग्नल एक साथ इकट्ठा होके ये प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्टर्ब कर सकता है और गलत सिग्नल भेज सकता है, इसलिए फ्लाइट को टेक ऑफ होने से पहले फोन करने की सलाह दी जाती है। क्या आपने सोचा है कि आखिर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग पर ये ग्रीन कलर की चादर बड़ी बड़ी क्यों लगाई जाती है? ये आपने जरूर देखा होगा और सोचा भी होगा कि आखिर ये चादरें किस लिए लगाई जाती है। और जब बिल्डिंग में काम चलता है तो कुछ मटेरियल बाहर की तरफ आने से रोक भी लेती है, जिससे नीचे खड़े लोगों की सेफ्टी भी होती है। तो ये कंक्रीट को भी कंट्रोल करती है और पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करती है। हर घर में सिलेंडर मौजूद होता है और इस पर खाना भी बनाते हैं और हर सिलेंडर का कलर रेड भी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सिलेंडर का कलर रेड ही क्यों होता है? दरअसल सिलेंडर इसलिए रेड कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर भरी गैस यानी LPG गैस हाईली इनफ्लेमेबल होती है, मतलब बहुत जल्दी ये कुछ ही माइक्रोसेकंड में जल जाती है, जिस वजह से इसको डेंजरस का साइन दिखाया गया है और इसलिए इसको रेड कलर में ही पेंट किया जाता है। जब आप किसी को अपने साथ चलने को कहते हैं या किसी काम करने के लिए बोलते हैं तो बहुत लोग आपसे मना कर देते होंगे, लेकिन जब आप उसके कंधे पर हाथ रख के बोलोगे तो उसका 99% चांस होता है कि वो आपको हाँ बोल दे। एक बार ट्राई करके जरूर देखना। सोचो, कभी आपके साथ या किसी के साथ ऐसा हो कि आपके हाथ पर रस्सी से बांध दिए गए हैं और आपके मुंह पे टेप भी लगा दी गई है और आपको छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपके मुंह पर लगी टेप को चाटना चालू कर देना है। जब आप टेप को चाटना चालू करेंगे तो उसके चिपकने वाली पावर खत्म होती चली जाएगी और आपके मुंह से टेप छूट जाएगी। खुश होना या हर चीज में मजे लेना कौन नहीं चाहता है, लेकिन यह एक ऐसी भी बीमारी है, अगर किसी इंसान को हो जाए तो उस व्यक्ति को खुश होने से या फिर ज्यादा मजे लेने से डर लगने लगता है। इस बीमारी को क्रोनोफोबिया कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो अधिक खुश होना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि अगले ही पल उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए ऐसे इंसान ज्यादा खुशी होना नहीं चाहते हैं। जब आप किसी से माफ़ी मांगते हो या आपके सामने वाला आपसे माफ़ी मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति गलत हो और सामने वाला व्यक्ति ठीक हो। इसका मतलब ये होता है कि माफ़ी मांगने वाला आपकी ईगो से ज़्यादा संबंध या रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता, रिलेशन उसके लिए ज़्यादा मायने रखता है। अक्सर आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा हंसते हैं। उनमें से आप भी एक ऐसे हो सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर हंसने लग जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग वास्तव जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख और परेशानियों से घिरे हुए होते हैं, लेकिन उसके बिहेव को देखने से ऐसा लगता है कि मानो वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अक्सर हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपना बचपन गुजारते हैं, लेकिन आज 92% ऐसे लोग हैं जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं वो आज अपने फ्रेंड के साथ नहीं हैं। समय के साथ साथ वक्त और चीजें बदल जाती है। क्या आप भी अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।